सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी अप्लॉज को. मुझे लगता है आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री अप्लॉज के साथ काम कर चुकी है और एक बहुत कमाल का बॉन्ड बनाते हैं ये लोग अपने एक्टर्स के साथ, अपने टेक्नीशियंस के साथ. एक लंबा रिश्ता रहता है और मैंने इनके साथ दो प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड आई होप मेनी मेनी मोर प्रोजेक्ट्स कम बाय एंड आई विश अप्लॉज ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. मुबारकबाद देने ही आए हैं बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अप्लॉज प्रोडक्शन ने एंड आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग शो ऑफ दिस. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो एंड टू द इवनिंग टुडे. एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ही अप्लॉज के साथ एक शो फिल्म किया है जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, अगले साल अनाउंस होगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और अप्लॉज ने बहुत सारे अच्छे शोज किए, इनफैक्ट पापा ने भी अप्लॉज के साथ एक शो किया है. सो यार कांग्रेचुलेशंस टू द अप्लॉज टीम. Completing 5 years and we see many more years of course coming ahead and we would like to be a part of it. Thank you and best wishes. Love the work that they do and love the film that they make and I hope they continue the good work. Congratulations to them. Thank you. बस उनको बधाई देना चाहता हूँ. 5 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है और 2 साल उसमें कोविड में निकल गए. फिर भी कोविड थोड़ा अच्छा बीत गया क्योंकि अप्लॉज के शोज आते गए, बीच में स्कैम आया था जिसमें मैं भी था. सो आई एम हियर टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट पार्टी. आई थिंक अप्लॉज की सारी सीरीज ही बहुत अच्छी लगी है और आज ही उनका एक नया शो का ट्रेलर आया तनाव, उसको मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, मैं उसको देखने के लिए बहुत अच्छा था. यार थैंक गॉड 5 साल खत्म होने से पहले ही मैंने अप्लॉज के साथ काम कर लिया क्योंकि मैं बहुत टाइम से काम करना चाहता था एंड जस्ट वेरी हैप्पी कि अप्लॉज हैज बीन डूइंग सो मच इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज. इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी सारी कहानियाँ बताई जा रही हैं. जस्ट ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट एंड कंग्रेचुलेशंस अप्लॉज. इसी तरह आपके लिए हम ताली बजाते रहें और अच्छा काम करते रहें.